हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मनसूबों को नाकाम करना है। मेरे परिवारजनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, जनशक्ति की भक्ति की और जनसेवा की राजनीति के लिए समर्पित है। वंचितों को वरीयता, यही भाजपा के सुशासन का मूल मंत्र है। भाजपा की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। दिल्ली हो या भोपाल, आज सरकार आपके घर तक पहुंचकर आपकी सेवा करने का प्रयास करती है। जब कोविड का इतना भयंकर संकट आया तो सरकार ने करोड़ों देशवासियों का मुफ्त टीकाकरण कराया। हम आपके सुख दुख के साथी हैं। हमारी सरकार ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया। गरीब का घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, गरीब का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारी कोशिश यही थी कि कोई गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की मां को अपना पेट बांधकर सोना न पड़े। वो मां इस बात से ना तड़पे कि मेरा बच्चा भूखा है। इसलिए गरीब के इस बेटे ने गरीब के घर के राशन की चिंता की, गरीब मां की परेशानी की चिंता की, और ये दायित्व आप सबके आशीर्वाद से आज भी मैं निभा रहा हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। मोदी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, उनकी टैप रिकॉर्ड सुना करिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए। मोदी ने गरीबों को पक्के घर की गारंटी दी थी। आज मध्य प्रदेश में ही 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। हमने घर घर टॉयलेट की गारंटी दी थी, ये गारंटी भी हमने पूरी करके दिखाई। हमने गरीब से गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। हमने हर घर बैंक अकाउंट खुलवाने का गारंटी दी थी। हमने माताओं बहनों को धुएं से मुक्त रसोई की गारंटी दी थी। ये हर गारंटी आपका सेवक, ये मोदी आज पूरी कर रहा है। हमने बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस रक्षाबंधन पर गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कमी कर दी। इससे उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को अब सिलेंडर 400 रुपये और सस्ता मिल रहा। उज्ज्वला की योजना कैसे हमारी बहनों बेटियों का जीवन बचा रही है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा प्रयास है एक भी बहन बेटी को
धुएं में खाना ना बनाना पड़े। और इसलिए कल ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, अब देश में 75 लाख और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। कोई भी बहन गैस कनेक्शन से छूटे नहीं, ये हमारा मकसद है। एक बार तो हमने काम पूरा कर दिया, लेकिन कुछ परिवारों में विस्तार हुआ, परिवार में दो हिस्से हुए तो दूसरे परिवार को गैस चाहिए, उसमें जो कुछ नाम आए हैं उनके लिए ये नई योजना लेकर के हम आए हैं। साथियों, हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने बिचौलियों को खत्म कर हर लाभार्थी को पूरा लाभ देने की गारंटी दी थी। इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के लाभार्थी हर किसान को 28,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। इस योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो, उन्हें सस्ती खाद मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 10,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी तिजोरी में से खर्च किया है। आज यूरिया की बोरी, आप जो खेत में यूरिया लेके जाते हो ना मेरे किसान भाइयों बहनों, ये यूरिया की थैली अमेरिका में 3,000 रुपये में बिकती है, लेकिन वही बोरी मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में पहुंचाते हैं। और इसके लिए 10,00,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च किया। आप याद करिए, जिस यूरिया के नाम पर पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते थे, जिस यूरिया के लिए किसानों को दिन रात लाठियां खानी पड़ती थी, अब वही यूरिया कितनी आसानी से हर जगह उपलब्ध हो रहा है।